अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 15 वी आर एक्चुअली गोइंग टू रीडिस्कस द अमोनिया फॉर्मेशन प्रोसेस और सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हम इसको ना बड़ा सिंपल और सादा तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी डिटेल डिस्कशन जो है वो हमारी लॉन्ग क्वेश्चन में हो चुकी है। मैं आपको रेफ़र करूंगा कि आप सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस का मेरा लेक्चर डिटेल से समझें, जो मैं अब अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। लिहाजा शॉर्ट क्वेश्चन में हम यूजुअली टू द पॉइंट बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट ए। व्हाट शुड बी द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज पे टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट होगा, पार्ट ए। देखिए, बात यूं है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सो, उसका चेक करने का तरीका ये है कि जो इसकी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो देखें। एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है -92.46 किलो जाउल, विच मीन्स कि ये एक नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू का ये मतलब होता है कि ये एक हीट रिलीज करने वाला रिएक्शन है, तो इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो एग्जिट, थर्मिक हीट, हीट निकालने वाला रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर का बढ़ाना फेवरेबल नहीं होता, यानी कि इन केस वी इंक्रीज टेम्परेचर द रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स, या रिएक्शन की बजाय हम ऐसा कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजिशन। इक्विलिब्रियम पोजिशन will move towards reactant, यानी कि left side। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर आप temperature बढ़ाएंगे ना, तो आप reaction की favor में नहीं जा रहे, आप reaction के against जा रहे हैं, क्योंकि वो तो heat content remove कर रहा है, heat निकाल रहा है। आपने temperature बढ़ाया, heat content ज़्यादा कर दिया, तो उसे लगेगा कि मैंने heat content मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि मेरी product का जो हीट एज अ एनर्जी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ताकि उन हीट कंटेंट्स को रिड्यूस कर सके। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप फेवर नहीं दे रहे रिएक्शन को, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केस भी डिक्रीज कर जाता है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केस भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे द केस वैल्यू ऑल्सो डिक्रीजेज, प्रोडक्ट भी डिक्रीज करेंगी, केसी भी डिक्रीज करेगा। केसी वैल्यू डिक्रीजेज बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द केसी डिक्रीजेज। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी, हाउ डज द चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ दिस रिएक्शन। देखें, पहली बात तो ये है कि हम रिएक्शन लिखें, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 अमोनिया, प्रोडक्ट में है 2 मोल्स, रिएक्टेंट्स में है 4 मोल्स, तो ज़्यादा वॉल्यूम रिएक्टेंट्स की तरफ है, कम वॉल्यूम प्रोडक्ट की तरफ है, होगा क्या। हमसे ये पूछा जा रहा है कि चेंज ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता, क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर या वॉल्यूम डिक्रीज कर दें, सेम बात है, कुछ भी कर दें, प्रेशर बढ़ा दें या वॉल्यूम कम कर दें, द रिएक्शन, नेट रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स, यानी कि नेट रिएक्शन किस तरफ भागना शुरू कर देगा, जिस तरफ कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि कम नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है कम वॉल्यूम या ज्यादा प्रेशर, विल मूव टूवर्ड्स
लेसर नंबर ऑफ मोल्स. अब लेसर नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ है? प्रोडक्ट की तरफ. सो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा प्रोडक्ट की तरफ. इक्विलिब्रियम पोजीशन भी फॉरवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं. अगर मैं इसको ऑपोजिटली लिखूं, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर क्या होगा? डेफिनेटली ऑपोजिट इफेक्ट होगा. प्रेशर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से रिएक्शन ज़्यादा मोल्स यानी कि 4 की तरफ मूव करेगा. तो रिएक्शन इन डैट केस मूव बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बैकवर्ड मूव करेगी और रिएक्शन का ज़्यादा जोर होगा रिवर्स डायरेक्शन की तरफ. अनटिल अनलेस इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, केसी की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाए, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे चली जाएगी राइट साइड पे जाने के बजाय अगर आप डिक्रीज कर देते हैं प्रेशर को. किसको डिक्रीज कर देते हैं स्टूडेंट? प्रेशर को. नाउ पार्ट सी. रोल ऑफ कैटलिस्ट. स्टूडेंट बड़ी सादी सी बात है जो हम पीसीएल 5 वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं. हम ना इस रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट ऐड करते हैं ना वो आयरन होता है. अच्छा खैर, इसके साथ भी इसके प्रोमोटर भी होते हैं. खैर अभी कैटलिस्ट की बात करें तो वो आयरन होता है. कैटलिस्ट ऐड करने से नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन और केसी. केसी पे भी नहीं होता और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी नहीं होता. दूसरी बात, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता तो फिर क्या डिस्टर्ब होता है? रेट ऑफ रिएक्शन. इट ओनली इंक्रीजेस रेट्स ऑफ रिएक्शन. कौन कौन से रेट्स ऑफ रिएक्शन? फॉरवर्ड और रिवर्स. स्टूडेंट कौन कौन से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाते हैं? फॉरवर्ड और रिवर्स. नाउ पार्ट डी की तरफ चलते हैं. पार्ट डी. अब पार्ट डी में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर अमोनिया यानी कि प्रोडक्ट जो है वो रिमूव की जाए तो क्या होगा. ये तो बड़ी सादी सी बात है. इफ अमोनिया is removed or product is decreased. अमोनिया रिमूव करने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट कम कर देना. अगर अमोनिया रिमूव की जाए या प्रोडक्ट डिक्रीज की जाए, the concentration of reactants increases. तो इससे क्या होगा? इस पे अब हम अप्लाई करते हैं ली शेटलियर प्रिंसिपल. बाय डिक्रीजिंग प्रोडक्ट्स, ली शेटलियर प्रिंसिपल स्टेट्स डैट रिएक्शन विल मूव इन ऑपोजिट टू आवर स्ट्रेस. यानी कि मैं प्रोडक्ट कम कर रहा हूँ, वो कहेगा नहीं भाई मैंने प्रोडक्ट बनानी है. तो रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. यानी कि इक्विलिब्रियम पोजिशन राइट साइड पर जाना शुरू हो जाएगी. नेट रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा. इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू रिवर्स रिएक्शन. तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया रिएक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन और इन रिस्पॉन्स टू आवर और इन रिस्पॉन्स टू आवर स्ट्रेस. ठीक है ना? स्ट्रेस हमने अप्लाई की, उसके अगेंस्ट उसने रिस्पॉन्ड किया. नाउ स्टूडेंट, दीज वर द शॉर्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16.
Now, student, we have question number 16. In this question, we are actually required to discuss effect of different conditions on the formation of sulfur trioxide, which is an exothermic reversible process. इसका जो आंसर है ना वो एक्चुअली पुराने क्वेश्चन से मिलती जुलती बातें हैं, लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको रिलेटिव टू ए प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह ही एक्सप्लेन करूँ बट इन अ लेसर टाइम. रिवर्सिबल रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन रखें. देखें, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, और अगर मैं इसे बैलेंस करूँगा तो 2 and 2 आ जाएगा, सो डेट द ऑक्सीजन एंड सल्फर आर बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड. सो ये तो हो गया पार्ट ए. पार्ट इसका बी. नाउ इन पार्ट बी वी आर आस्क्ड के व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन दिस रिएक्शन. इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज क्या होगा इस रिएक्शन के ऊपर? देखें, प्रेशर चेंज से मुराद हमारी प्रेशर डिक्रीज करना भी हो सकता है, इंक्रीज करना भी हो सकता है. उससे पहले जरा हम एक चीज स्पेसिफाई कर लेते हैं. रिएक्टेंट्स में है 3 मोल, प्रोडक्ट में है 2 मोल्स. ठीक है, मैं इक्वेशन को यूज़ करने के बजाय आपको लेस और मोर नंबर ऑफ मोल्स के ज़रिए समझाना चाह रहा हूँ. क्यों? पहले 2-4 जगहों पे मैंने आपको इक्वेशन यूज़ करते हुए वॉल्यूम के चेंज का या प्रेशर चेंज का इफेक्ट समझाया है. मैं चाहता हूँ कि आप दोनों तरीकों से इस चेंज को समझो ताकि आपके पास इन फ्यूचर अगर मुख्तलिफ इक्वेशन आ जाएँ तो बजाय इसके कि आप वहाँ पर इक्वेशन डेरीवेशन में लगे रहो, आप सिंपली कम या ज़्यादा नंबर ऑफ मोल के ज़रिए भी जज कर पाएँ. सो 3 मोल ज़्यादा होता है वॉल्यूम, 2 मोल्स कम होता है वॉल्यूम. बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग वॉल्यूम, एक ही बात है ना, प्रेशर बढ़ा दो वॉल्यूम कम कर दो. द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल मूव टूवर्ड्स, या रिएक्शन जो होगा ना भाग जाएगा किस तरफ, जिस तरफ कम मोल्स होंगे, कम वॉल्यूम होगा, क्योंकि कम मोल्स कम वॉल्यूम इंडिकेट करते हैं. क्यों? वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग वॉल्यूम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल मूव टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स और टूवर्ड्स प्रोडक्ट. उसकी वजह क्या है? प्रोडक्ट वाली साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं. अगर मैं इसको ऑपोजिट लिखूं, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो स्टूडेंट वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. क्या होगा? जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, या मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन जाना शुरू हो जाएगा. वो कहाँ पे है? रिएक्टेंट्स की तरफ पे है. नाउ पार्ट सी, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट स्टिल टेम्परेचर ऑफ 400 to 500 degrees इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3. SO3 की यील्ड यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड की यील्ड इंक्रीज करने के लिए 400 to 500 degrees टेम्परेचर देना पड़ता है. हालांकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर कम दें, आप ज़्यादा दे रहे हैं. इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखें, बात यूँ है कि बेशक SO3 एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप टेम्परेचर जितना मर्जी कम कर लें. असल में टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है. बेशक यील्ड बढ़ जाए लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इतना डिक्रीज हो जाता है कि हमारे लिए वो फेवरेबल रहता ही नहीं. उसकी वजह क्या होती है? इफेक्टिव कोलिजंस कम हो जाती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से कम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हो जाती है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दूँ. तो इफेक्टिव कोलिजंस कम हो जाएंगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना कम हो जाएंगे. हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जितने टकरा रहे होंगे उनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे, यानी कि KC की वैल्यू ज़रूर बढ़ गई है. प्रोडक्ट ज़रूर
आपकी ज़्यादा बन रही होंगी परसेंटेज में, बट ओवरऑल आपकी इफेक्टिव कोलिजंस कम हो जाएंगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, हमारे लिए वो अन इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो हम इतना टेम्परेचर कम नहीं कर सकते कि हमारा जो रिएक्शन है वो इतना स्लो हो जाए कि उसका इक्विलिब्रियम अचीव होते होते कई अरसा लग जाए। इंडस्ट्री में टाइम जो होता है वो इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है या उस पर इफेक्ट करता है सिग्निफिकेंटली। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इफेक्टिव कोलिजंस भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएंगी, उससे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा अल्टीमेटली, तो वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, अन इकोनॉमिकल है, स्लो हो जाएगा रिएक्शन। तो लिहाजा आपने एक सर्टन टेम्परेचर मेंटेन रखना है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका ज़्यादा रहे। सो वी कैन नॉट डिक्रीज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज इट विल बिकम अनइकोनॉमिकल और अनफेवरेबल। ये बात आपने याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 17। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो फर्स्ट पार्ट है बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, हमारी डेली लाइफ में इनका क्या इंपॉर्टेंस है और बफर कैपेसिटी को एक्सप्लेन करें। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मैं रेफ़र करूंगा आपको बफर सॉल्यूशंस का लेक्चर। तो आपने वो बफर सॉल्यूशन के लेक्चर को डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो आप इन दोनों चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। बी सी ओ डी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिहाजा हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं और वहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाउ डज द मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड गिव अस द एसिडिक बफर। देखें एसिडिक बफर के दो हिस्से होते हैं, एक वीक एसिड जो थोड़ा सा आयोनाइज होता है और दो चीज़ें बनाता है, क्या क्या बनाता है, CH3COO- और हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन, और दूसरा इसका साल्ट जो मैक्सिमम आयोनाइज होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर बना होता है और बनाता है एसीटेट आयन ज़्यादा सारे मैक्सिमम और सोडियम आयन। अगर आप ओवरऑल इस रिएक्शन को देखें तो ओवरऑल रिएक्शन कर क्या रहा है, थोड़े से हाइड्रोजन आयन्स जो है वो फॉर्म कर रहा है, तो हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन जो होगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स जो होगी वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी सॉल्यूशन में। जब आप ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे वीक एसिड और उसका सॉल्ट, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन, सो पीएच जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 0.1 मोलर ये लेते हैं, ठीक है, और 0.1 मोलर सॉल्ट डालते हैं, तो उससे जो पीएच होगी ना वो आपकी हो जाएगी 4.74 फॉर दिस सॉल्यूशन। क्यों पीएच कम क्यों हो गई है, क्योंकि ये दोनों सब्सटेंसेस डालने पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाने से पीएच डिक्रीज कर जाती है। तो मैं इसको यूं कहूँगा कि असल में आपने जब वीक एसिड और उसका साल्ट डाला तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो गया या सॉल्यूशन ने एसिडिक बफर जनरेट कर लिया, एसिडिक बफर बना लिया। नाउ पार्ट सी, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक बफर होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया पार्ट सी। देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करके बना है अमोनियम क्लोराइड, इनको अगर मैं डिसॉल्व करता हूँ तो बनता है अमोनियम आयन थोड़े से और हाइड्रोक्सिल आयन्स, साथ अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करता हूँ तो बनते हैं मैक्सिमम अमोनियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स। अब हो क्या रहा है, सॉल्यूशन में थोड़े से हाइड्रोक्सिल आयन्स जनरेट हो रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसे रेड कलर से सर्कल करता हूँ। सॉल्यूशन में ये जो दोनों सब्सटेंसेस हैं ये मिलकर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रही हैं। सो कंसंट्रेशन CONC डॉट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन्स इंक्रीज कर जाएंगी, इंक्रीजेस सॉल्यूशन के अंदर,
हाइड्रोक्सलाइन की कंसेंट्रेशन बढ़ने से पीएच कम नहीं होती, ज़्यादा हो जाती है, सो पीएच इंक्रीजेस। अब देखें, जब आपने सॉल्यूशन में एक बफर नहीं डाला था अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का, तो पीएच थी 7। जब आपने इनकी ख़ास कंसेंट्रेशन डाल दी तो हाइड्रोक्सलाइन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, लिहाजा पीएच जो होगी वो 7 से बढ़ जाएगी। अब 7 से ज़्यादा पीएच का मतलब ये है कि बेसिक सॉल्यूशन हो गया, और ये जो आपके दोनों सब्सटेंसेस हैं ये मिलकर बनाएंगे बेसिक बफर या बेसिक सॉल्यूशन जिसमें बफर ऐड किया गया। लास्ट बात हमारे पास इस टॉपिक की, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ सोडियम एसीटेट इन एसिटिक एसिड डिक्रीज द डिसोसिएशन पावर ऑफ एसिटिक एसिड सो द पीएच इंक्रीजेस। इसको समझने के लिए मैं एक टेबल पेस्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पार्ट है इसका डी। डी पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का जो साल्ट है यानी कि एसीटेट सोडियम एसीटेट, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगी और पीएच बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH3COONA की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो दो काम होंगे, जो एसिटिक एसिड है ना ये कम आयोनाइज होगा, और दूसरी बात ये है पीएच बढ़ जाएगी। कम आयोनाइज होने का मतलब है कम हाइड्रोजन आयंस बनाएगा, कम डिसोसिएट होगा। देखें, बात यूँ है, ली शेटली प्रिंसिपल हमें यूज़ करना पड़ेगा। देखें, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होके बनाता है CH3COO- और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। अगर आप इसके साथ इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें जिसमें कॉमन आयन हो यानी कि सोडियम एसीटेट, तो वो बनाएगा CH3COO- और सोडियम आयन। अब जब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट WE वीक इलेक्ट्रोलाइट के होते हुए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिनमें दो कॉमन आयन है, एसीटेट आयन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि एसीटेट आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई। एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो सप्रेस हो जाएगा, उसकी आयोनाइजेशन कम हो जाएगी, वो रिवर्स में चला जाएगा। यानी कि होगा क्या कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की टूवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी और वो कम आयोनाइज होगा। जब वो कम आयोनाइज होगा तो होगा क्या कि एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन को पकड़ के वापस एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि वो हाइड्रोजन आयन बनाए, एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन को पकड़ के ड्यू टू द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद द कॉमन आयन विल स्टार्ट फॉर्मिंग एसिटिक एसिड। तो इससे क्या होगा, एसिटिक एसिड जो डिसोसिएट हुआ था वो कम से कम होना शुरू हो जाएगा डिसोसिएशन में, क्योंकि वो उसके आयन्स मिलकर दोबारा एसिटिक एसिड बना रहे हैं। इसको समझने के लिए ज़रा गौर करें, ये है एसीटेट आयन्स की कंसंट्रेशन जो कि साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड के बढ़ाने से बढ़ गई। आपकी अगर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, आपने 0.10 डाला एसिटिक एसिड, आपने उसमें एसीटेट आयन्स यानी कि एसिटिक एसिड का साल्ट ऐड नहीं किया था तो उसकी डिसोसिएशन थी 1.3। अगर आप फॉर एग्जांपल जितना आपने एसिटिक एसिड डाला है उतना ही सोडियम एसीटेट डाल दें जो कि एसीटेट आयन्स बनाएगा, तो उससे परसेंटेज डिसोसिएशन कम हो जाएगी। जब परसेंटेज डिसोसिएशन कम होगी तो उससे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, क्यों, जितना कम एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा उतना हाइड्रोजन आयन कम बनेंगे, तो पीएच क्या कर गई, बढ़ गई। देखें, जब वो ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा था तो पीएच थी 2.89, जब वो कम डिसोसिएट हो रहा है तो उससे पीएच बढ़ गई 4.74 पे आ गई। तो स्टूडेंट, ये कॉमन आयन इफेक्ट या ली शेटली प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन करना है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।